Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Class. Friends, conversational voice में मैंने आपको अब तक दो tenses, इस present tense और past tense दोनों खत्म हो चुके हैं. दोनों के बारे में मैं बता चुका हूँ कि उन दोनों टेंसेज में सभी टेंसेज के पैसिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं और कैसे बनाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो टुडे आई विल टीच यू अबाउट द मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है, लेकिन आज मैं कन्वर्सेशनल वॉइस, जो पैसिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं और किस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं बोलचाल में, वो बताने वाला हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, कन्वर्सेशनल वॉइस इज द वेरी नेसेसरी. मीन्स वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द कन्वर्सेशनल वॉइस. मीन्स काफी लड़के पूछते हैं कि एक वॉइस और कन्वर्सेशनल वॉइस में क्या फर्क है. तो फर्क यही है फ्रेंड्स कि दीज आर द इंट्रांजेक्टिव सेंटेंस एंड और पहले जो मैं पढ़ा रहा था चेंज करने के लिए, हाउ टू चेंज द वॉइस एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव, दोज ऑल वर द ट्रांजेक्टिव सेंटेंसेस. सो इंट्रांजेक्टिव, व्हाट इज द इंट्रांजेक्टिव, यू नो वेरी वेल, मैंने बताया था, जिसमें किसके द्वारा काम किया गया वो उसका चर्चा ना हो तो उसको हम इंट्रांजेक्टिव बोलते हैं. बिल्कुल सरल भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ कि जैसे पेड़ को काट दिया गया तो किसके द्वारा काटा गया, किसने काटा, ये चर्चा नहीं है उसमें. दिस इज द इंट्रांजेक्टिव सेंटेंस. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम वो देखते हैं इंग्लिश वीडियो. एक्सक्यूज मी, मे आई नो इफ मिस्टर नागेंद्र सिंह इज एट होम? नो, ही हैज जस्ट लेफ्ट फॉर द क्लब. मे आई नो योर गुड नेम प्लीज? आई एम देवेंद्र सिंह, मिस्टर नागेंद्रस ओल्ड फ्रेंड. प्लीज हैव अ सीट. थैंक यू वेरी मच. Are you Mr. Nagan's daughter? Yes, sir. What is your name? I am Surekha. Surekha. What's your age? I am 20 years old. In which college do you study? I am studying in APJ Abdul Kalam College. Oh, I see. How far is it from here? Nearly 2 kilometers. Then how do you go to college? I often walk to college. Only when I am late, then I go by bus. Oh, I see. When does your college meet? At 8 a.m. and it is over at 12 a.m. But then you must have taken your lunch very late. Yes, sir. Usually at 1 a.m. But I am not really very hungry because I take my tiffin box to the college and I eat it in recess. Okay. Well, Surekha, I am very happy to meet you. And when do you think I should come to meet your father? Please come at 7 any day. Thank you very much, Surekha. You are welcome, sir. I will tell my father about your visit. Okay. Thank you. Bye. Bye. ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट. मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लिख के रखे हुए पहले से ऑलरेडी. हम सिर्फ एक एक करके सेंटेंस बनाते जाएंगे और उस पर थोड़ा चर्चा करते जाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे पढ़ाया जाएगा. अभी मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स मैंने आपको बताया था जब वॉइस में पहले शुरू किया था, जब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने के बाद मैंने पूरे मॉडल वर्ब के बारे में बताया था और पूरे मॉडल वर्ब हमने लिखा था बोर्ड पे, आपको याद होगा अच्छी तरह से अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो. ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मॉडल वर्ब के बारे में मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जैसे हुआ शैल विल, कैन कुड, मे माइट, शुड मस्ट एंड वुड, ये सब जितने भी हैं ये सारे के सारे मॉडल वर्ब हैं और इनका ही हम पैसिव सेंटेंस आज बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे पढ़ाया जाएगा. आपको अब समझ में आ गया होगा कि उसे पढ़ाया जाएगा, दिस इज द फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, उसे पढ़ाया जाएगा. तो यहाँ पर मॉडल वर्ब क्या होगा, यहाँ पर मॉडल वर्ब होगा शैल विल. तो मैं पढ़ाऊंगा तो आई विल टीच, और मुझे पढ़ाया जाएगा, दिस इज द पैसिव सेंटेंस.
मैं पढ़ाऊंगा, दिस इज द एक्टिव सेंटेंस, ठीक है? तो आई शैल बी टाउट, आई शैल बी टाउट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं आई विल बी टाउट, ठीक है फ्रेंड्स? उसे याद किया जाएगा, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, सॉरी दिस इज ऑल्सो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, सो उसे याद किया जाएगा, उसे याद किया जाएगा, दिस इज द पैसिव सेंटेंस, इंट्रांजेक्टिव सेंटेंस, वो याद करेगा, वह याद करेगा, दिस इज द एक्टिव सेंटेंस, ओके? वह याद करेगा, ही विल रिमेंबर, और उसे याद किया जाएगा, तो उसे याद किया जाएगा, इसमें सिर्फ ही विल बी रिमेंबर्ड, सॉरी ही विल बी रिमेंबर्ड, तुम्हें हराया जा सकता है। अब यहां पर क्या मॉडल वर्ब हो सकता है? सकता सकते आ रहा है ना, तो विच मॉडल वर्ब कैन बी हियर? उसे हराया जा सकता है, सिंपल है, सकता सकते आ रहा है, तो कैन होगा, और क्या, कैन कुड होता है, तो ही कुड बी डिफीटेड, ही कुड बी डिफीटेड, मैंने क्यों लिखा, हु ही कैन बी डिफीटेड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ही कैन बी में हम ज्यादातर श्योर होते हैं कि उसे हराया जा सकता है, बट ही कुड बी में हम श्योर नहीं होते हैं, उसे हराया भी जा सकता है और हराया नहीं भी जा सकता है, जैसे हम ही मे बी ऐसा भी बोल सकते हैं, ही मे बी डिफीटेड, ठीक है? उसकी मदद नहीं हो सकी, मतलब उसकी मदद नहीं की जा सकी, तो इसमें ही कुड नॉट बी हेल्प्ड, सिर्फ बी लगाना है फ्रेंड्स, बी, जितने भी मॉडल वर्ब्स के पैसिव सेंटेंसेस बनते हैं, मॉडल वर्ब के बाद हम सीधा बी लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? उसके बाद वी थ्री, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, वादे पूरे होने चाहिए, प्रोमिसेस, अभी चाहिए, चाहिए वाला सेंटेंस है, तो चाहिए मीन्स वर्ब के बाद अगर चाहिए आता है, मैंने बताया था आपको बेसिक में ही कि वर्ब के बाद चाहिए आता है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो उसमें शुड मस्ट लगता है, तो ये शुड है, वादे पूरे होने चाहिए, तो प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट, प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट, दूध जरूर पिया जाना चाहिए, अब ये फिर से चाहिए वाला है, लेकिन जरूर है, इसलिए यहाँ पर मस्ट लगेगा, तो मिल्क मस्ट बी ड्रंक, काम समाप्त हो जाना चाहिए, बोलते ना कि काम समाप्त हो जाना चाहिए भाई 5 बजे तक, तो काम समाप्त हो जाना चाहिए, यहां पर फिर से चाहिए वाला आ रहा है, मीन्स दिस इज द शुड मस्ट वाला सेंटेंस, ठीक है? काम समाप्त हो जाना चाहिए, द वर्क, किसी खास वर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वर्क शुड बी कंप्लीटेड या फिनिश्ड, वर्क शुड बी फिनिश्ड, उसकी मदद की जानी चाहिए, दिस इज फिर से ये चाहिए वाला आ गया, मीन्स शुड मस्ट वाला आया, तो चाहिए, ही शुड, उसकी मदद की जानी चाहिए, तो उसकी मीन्स ही शुड बी हेल्प्ड, तुम्हें पीटा जा सकता है, तुम्हें पीटा जा सकता है, हम श्योर नहीं है, हम तुम्हें पीटा जा सकता है और नहीं भी पीटा जा सकता है, तो यू मे बी बीटन, ठीक है? अब क्या किया जा सकता है, तो दिस इज अब क्या किया जा सकता है, तो कैन लगाएंगे, सिंपल है, तो व्हाट कैन बी डन नाउ, व्हाट कैन बी डन नाउ, ठीक है फ्रेंड्स? ये सारे मॉडल वर्ब थे, मॉडल वर्ब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बोलचाल में इन सब सेंटेंसेस का, आप एक बार अच्छी तरह से एक बार नज़र मार लो, देख लो, हो सकता है तो मुमकिन हो तो आप लिख लो, लिखोगे तो नहीं मुझे पता है, ठीक है फ्रेंड्स? तो
ये मॉडल वर्ब था और मॉडल वर्ब के सेंटेंस को, पैसिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं, अगर मैं एक एक करके बताने जाऊं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा कि इसको कैसे पहचानेंगे, शुड वाले को कैसे पहचानेंगे, कैन वाले को कैसे पहचानेंगे, मस्ट वाले को कैसे पहचानेंगे, अगर मैं एक एक करके बताऊँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है तो मैं ज़रूरी नहीं समझता कि एक एक करके पूरा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, आपको पहले बता दिया है, इसलिए मैंने ये बस जितने भी इंट्रांजेक्टिव पैसिव सेंटेंसेस हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ जो ज़्यादातर बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हम पैसिव सेंटेंसेस को अपने बोलचाल में कैसे इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।